हमारे इस चैनल गंगा कैसेट को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। क्या बात है, ये मुझे मिल जाए। मेरा भाई तो क्या, मेरे पिता भी इस दुनिया से चले जाएं तो मुझे कोई गम नहीं होगा। सो रहे मस्ती में कैसे, क्या अजब की रात है, ये सुनहरा अवसर है, इनसे करूं कुछ बात है। एक कमलेश, अरे उठिए ना, मैं तुम्हें ही जगा रहे हैं। अरे मैंने तो सोचा था कि मैं केवल बिस्तर पे पड़ा रहूंगा, आराम नहीं करूंगा, लेकिन क्या करे, आंख लग गई और आंखों में नींद आ गई। लेकिन तुम्हारे आंखों में नींद नहीं आई क्योंकि भाई का टेंशन तुम्हारे दिलो दिमाग में बना था और जिस वजह से आंखों में नींद नहीं आई। अच्छा हुआ दीदी तुम्हारी आंख खुल गई और देखो धीरे धीरे करके आसमान में उजाला होने लगा, सुबह होने को आ गई। और चलो हम चल करके भैया किशोर का पता लगाते हैं। और दीदी हम इस जंगल से जहाँ पर भैया किशोर हमसे बिछड़ गए उसी जगह चल कर हम किशोर को ढूंढते हैं। आओ दीदी, कहाँ लेके जा रहे हो? कहाँ लेके जा रहा हूँ? हाँ, अरे दीदी किशोर का पता लगाने चल रहे हैं। किशोर? हाँ किशोर। कौन किशोर? कौन किशोर की बात करते हो तुम? अरे दीदी आप किस तरह की बहकी बाकी बातें कर रही हैं? अरे वही किशोर, तुम्हारा सगा भाई किशोर, जो हम लोगों से बिछड़ गया है दीदी। ओ, मेरे भैया की बात कर रहे हो? हाँ, तुम्हारे भाई की बात कर रहा हूँ। अरे उसकी बात छोड़िए और मेरे बारे में कुछ सोच राजा। दीदी हमको लगता है कि सो जाने के बाद कोई भयानक सपना, ऐसा कोई अजीब सपना देखा और उसी सपने में अभी खोई हुई है जिसकी वजह से आपके दिलो दिमाग में वही बात बसी है। अरे दीदी जरा गौर से देखो, तुम्हारे समक्ष भाई तुम्हारा धर्म का भाई कमलेश खड़ा है। दीदी मैं कमलेश। वो तो देख रही हूँ राजा कि तुम कमलेश हो। आखिर क्या हो गया तुम्हें दीदी, क्या हो गया तुम्हें? मुझे क्या हो गया? हाँ इतना भी नहीं जानते कि एक जवान लड़की खूबसूरत लड़कियों को देखती है तो उसके दिल में क्या होता है? दीदी तुम्हारी बातों को सुनकर मैं आश्चर्य में पड़ रहा हूँ और इस तरह की बातें जो कर रही हैं ये मेरे समझ के बाहर, क्या आप कह रहे हैं दीदी? आग लगा के बदन में बनते हो नादान, आ जाओ भोले सनम, मानूंगी ऐसा। देवी जी जो कह रही मेरे समझ न आया, मैं अधिना नौकर तेरा, गगन न यूं फट जाए। दीदी मैं तुम्हारा धर्म का भाई हूँ और अपने धर्म के भाई के समक्ष ऐसी गंदी हरकतें मत कीजिए दीदी, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। दीदी पैर पड़ता हूँ? पैर पड़ने से समस्या का समाधान नहीं होगा। क्यों ऐसी बातें कर रही हैं आप? और अपने सेज की रानी,
अपने सेज की रानी बना लीजिए, अपने और मस्तानी समा हम सफर में भी हंसी हूँ और तुम भी हो जवां। जे पियामा रात काली और मस्तानी समा हम सफर में भी हंसी हूँ और तुम भी हो जवां। वसल का जाम भर भर के बाहों में अपनी उठा लीजिए। दीदी तुम्हारी हरकत को देखकर आज मैं आश्चर्य में पढ़ रहा हूं कि तुम्हारे ये कारनामे, तुम्हारे दिल के अंदर ये सपने, एक धर्म के भाई के प्रति अपने सब दिल में सपने सजा रखा। लेकिन फिर भी मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं दीदी, गुजारिश कर रहा हूं। कर रहे राजा। सुनिए दीदी, और देवी जी माफ होशारी खता कीजिए। देवी जी सुनसान जंगल है बिकट, ईश्वर से कुछ घबराइए। कहना नहीं होगा तेरा देवी जरा शर्माइए। कि सुनसान जंगल है बिकट, देवी जी कुछ घबराइए। कहना नहीं होगा तेरा देवी जरा शर्माइए। शान सो कट पे अपनी नजर कीजिए। शान सो कट पे अपनी नजर कीजिए। के दीदी माफ सारी खता कीजिए। राजा मैं क्या करूं, शान शौकत पे अपनी नजर करूं? क्यों नहीं दीदी, अपनी शान शौकत को क्यों मिट्टी में मिला रही हैं आप? अगर इस तरह देखा जाए तो सारा संसार भाई बहन के रिश्ते में जुड़ा हुआ है। मैं तुम्हारा धर्म का भाई हूं,
मैं तुम्हारा धर्म का भाई हूँ दीदी, और धर्म के भाई के समक्ष इस तरह की बहकी बहकी बातें मत करो दीदी, मत करो। प्यारे बहुत पछताओगे इस समय इंकार कर, दिल से दीवानी हो गई थोड़ा सा उपकार कर। तो प्यारे बहुत पछताओगे इस समय इंकार कर, दिल से दीवानी हो गई थोड़ा सा उपकार कर। और ना मोहब्बत में सिकवा बाहों में अपनी उठा लीजिए। तुमने बेशर्मी की हद को पार कर दिया। एक धर्म के भाई के समक्ष ऐसी अश्लील हरकतें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? अरे दीदी, आज उस धर्म के रिश्ते को, उस धर्म के रिश्ते को तार तार कर रही हो और पवित्र रिश्ते पर दाग लगाना चाहती हो। दीदी, मेरे कोई सगी बहन नहीं थी, आप मेरी धर्म की बहन है, लेकिन फिर भी मैं आपको सगी बहन से ज्यादा बढ़कर दर्जा देता हूं। लेकिन आपने उस रिश्ते को नापाक करने की कोशिश किया। लेकिन ये तुम्हारा धर्म का भाई कमलेश अपने धर्म के रास्ते से कभी नहीं डिगेगा, और ये तुम्हारी हरकत को देखकर तुम्हें कसम दे रहा है, तुम्हें कसम दे रहा कमलेश। कैसी कसम दे रहे हो? सुनिए बहन कृष्णावती, फिर वही बहन। तुमको कसम भगवान की, धिक्कार है कृष्णावती, पैदा नपट के होनी थी पुत्री कोई लज्जावती। दीदी, शर्म लिहाज को त्याग दिया, इतना बेशर्म बन गई कि धर्म के भाई के पीछे पड़ गई, अपनी सारी शान शौकत मान मर्यादा को मिट्टी में मिला रही है। इसलिए दीदी, तुमको कसम भगवान की, धिक्कार है कृष्णावती, पैदा नपट के होनी थी पुत्री कोई लज्जावती, और आगे जाकर कहीं भी बुझा लीजिए आगे। आगे जाकर कहीं भी बुझा लीजिए देवी जी, माफ सारी कथा कीजिए। मैं आग अपनी जाकर कहीं और बुझा लूं? कमलेश, ये आग बुझेगी तो केवल तुमसे राजा। आओ ना मेरी बाहों में। दीदी, जो तुम अपने दिल में सोच कर ऐसा सपना सजा बैठी हो, ये तुम्हारा सपना कभी साकार नहीं होगा। दीदी, कभी साकार नहीं होगा, नहीं होगा। हाय राजा, अगर मैंने पत्थर को मोम ना बना दिया, पत्थर को मोम ना बना दिया, मेरा हुस्न बेकार है। मान जाओ राजा, क्यों तपा रहे हो? मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ और बार बार आपसे यही गुजारिश कर रहा हूँ। मैं आपके पांव पड़ती हूँ। दीदी, मजबूर मत कीजिए, मेरे साथ ऐसी अश्लील हरकतें मत कीजिए। मैं आपके हाथ तो आप मुझे कर रहे हैं। दीदी, बार बार वही दीदी के सब। एक बार रानी कैसे पुकारो ना,
किस तरह लिपट के बाहों में आऊंगी। मैं ऐसा कभी नहीं कहूंगा दीदी, ऐसा शब्द अपनी जुबान पर कभी नहीं लाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन अपनी जुबान पर यह शब्द नहीं लाऊंगा दीदी, कभी नहीं लाऊंगा। हाँ हाय हो, समाए बलमा मीठी मीठी चुभन जगाए बलमा, हे यम्मे अंग न समाए बलमा मीठी मीठी चुभन जगाए बलमा। आजा ना मोरे पिया राजे ना मोरा जिया, राते कटती है तारे नसीले मेरे होंठ रसीले, जरा देख पलट के मेरे छैल छबीले, मेरे चढ़ती जवानी दरिया तूफानी, दिल बस में नहीं है मेरे दिल भर जानी, लागी है कैसी लगन जलता है मेरा बदन, जी ना पाऊंगी मैं तेरे बिन। हाल बताऊं कैसे समझाऊं तेरे बिन सजना, कहीं मर ना जाऊं, कोई कहे यहाँ है कोई कहे यहाँ है, बतला बेदर्दी मुझे दर्द कहाँ है, आई है कैसी अगन चलता है कैसा जहर, जीना सकती हूँ मैं तेरे बिन। बहुत हो गया दीदी, कितना मैंने तुम्हें समझाया, लेकिन हमारे समझाने का कोई फर्क तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ रहा दीदी, इसलिए अगर ऐसी बात है तो यह कमलेश तुम्हारा धर्म का भाई, तुम्हें भी इसी घने जंगल में और यहां से सीधे मैं जा रहा हूं चंद्रनगर, और जाकर के महाराष्ट्र में बताऊंगा कि दीदी हमारे साथ ऐसी अश्लील हरकतें कर रही थी। मैं इसी वक्त जा रहा हूं चंद्रनगर दीदी, इसी वक्त जा रहा हूं। मैं तुम्हें यहां से हिलने दूंगी तब जाओगे, ऐसे नहीं जाओगे, अभी भी वक्त है, मान जाओ वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा कमलेश, बहुत बुरा होगा। दीदी अगर चाहो तो अपने धर्म के भाई कमलेश के जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दो, उठाओ शमशीर और जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दो। अगर उन टुकड़ों से भी पूछोगी दीदी कि क्या कमलेश प्यार करोगे, तो टुकड़े हिलकर जवाब देंगे कि नहीं, तुम हमारी धर्म की बहन हो। मुझे जिस्म का हर टुकड़ा नहीं चाहिए, मुझे जिस्म का केवल एक टुकड़ा चाहिए, अगर मंजूर है तो हाँ करो, और वरना तुम इस वियावा से सही सलामत बाहर नहीं जा सकते। एक बात मेरी भी सुन लो ध्यान से, अगर तुम कमलेश हो तो मेरा नाम भी राजकुमारी कृष्णवती है, खूब अच्छी तरह सोच लो और समझ लो। दीदी मैंने खूब सोच लिया और समझ लिया दीदी, आप जो अपने दिल में सोच कर सपना सजाए बैठी है दीदी, आपका ये सपना कभी साकार नहीं होगा दीदी, जो अपने दिल में सपना सजा कर बैठी है ये आपके सपने अधूरे रह जाएंगे दीदी। और हाँ,
जो आप सोच रही है ना, ये आपका अरमान कभी पूरा नहीं होगा दीदी। चाहे मुझे सूली पर चढ़ना पड़े और चाहे मेरे गले में फांसी का फंदा हो जाए, लेकिन ये कमलेश धर्म के रास्ते से नहीं दिखेगा दीदी, नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा। अगर तुझे मेरा प्यार मंजूर नहीं है तो देख मैं तेरे साथ क्या करने जा रही हूं। ऐसा सलूक करूंगी कमलेश तुम्हारे साथ आज तक इस दुनिया में कोई किसी के साथ किया नहीं होगा। मत ऐसा कीजिए दीदी, क्यों अपने धर्म के भाई के पीछे पड़ी है दीदी? क्यों मेरी जान लेना चाहती है? क्यों हमारे मस्तक पर कलंक का टीका लगवाना चाहती है दीदी? मैं आपके पैर पड़ रहा हूँ, अपने धर्म के भाई को कलंकित मत कीजिए दीदी। मैं कम से समझा रही, मैं तू माने नहीं रहा कब से। घमंडी चखाऊंगी हट का मजा, सारी चमड़ी खुरच के मैं बाहर करूं बदजुबानी की, तुझको मिलेगी सजा। मेरा प्यार तुझे मंजूर है नहीं दीदी? ये धर्म का भाई आपके समक्ष खड़ा है और धर्म के भाई को गलत रास्ते पर लाने के लिए आप अपने हाथों से ये जुर्म का हंटर चला रही हैं। अरे दीदी, जुर्म का हंटर चलाने से क्या फायदा है? अपने धर्म के भाई के ऊपर चाहे 2400 घंटे ये जुर्म का हंटर बरसाओ, लेकिन धर्म के रास्ते से कभी विचलित नहीं हो सकता दीदी, कभी नहीं हो सकता। और तुम ये जुर्म का हंटर चलाकर मुझे गलत रास्ते पर लाना चाहती हो, इसलिए मजबूर होकर एक शब्द अपनी जबान से कमलेश और कहना चाहता दीदी। क्या कहना चाहता है बोल। सुनिए दीदी, मैं क्या कहना चाहता हूं आपके शब्द बता रहा हूं कि हाथ धो करके क्यों मेरे पीछे पड़ी, हाथ धो कर। कि हाथ धो करके क्यों मेरे पीछे पड़ी, बेअदब बेअकल बेहया बेशरम, सुन ले कृष्णावती कान को खोल कर मैं बिगाड़ूंगा अपना नहर के धर्म। कमलेश, मैं बेहया बेअदब बेअकल हूं, हराम चौदह तेरी इतनी जुर्रत कि मेरे नौकर का बेटा होके मुझे इस तरीके से बात कहे। ऐसे नहीं मानेगा, तू ऐसे नहीं मानेगा। अभी तक तो तूने मेरी अदा और अंदाज देखा, अभी तक तूने मेरी अदा और अंदाज देखा, अब देख मेरी इस जुबान की ताकत को, तुझे यहां से कहां तक पहुंचाती है। दीदी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ दीदी, मैं आपके पैर पड़ता हूँ दीदी, अपने धर्म के भाई के मस्तक पर कलंक का टीका मत लगाओ दीदी। समान जा मेरी बात। मत लगाइए दीदी। ए तो तुझे चंद्रंगा का बादशाह बना दूंगी। अगर मेरा कहना मंजूर है तो हाँ कर, वरना इसका रास्ता मैं दूसरा ढूंढ चुकी हूँ। दीदी, अपने दिल में जो सोच कर मुझे लालच दे रही हो कि आप मुझे चंद्रनगर का बादशाह बना देंगे, हमें बादशाह बनने की शौक नहीं दीदी, लेकिन कमलेश ने जो अपने दिल से फैसला कर लिया वो फैसला अटल है दीदी। मैं धर्म के रास्ते से कभी अलग नहीं होऊंगा और मैं आपकी बातों में कभी नहीं आऊंगा दीदी, आपके सपने कभी साकार नहीं होंगे दीदी। सपने तो मैं अभी साकार करूंगी कमलेश, अभी देख रामजादे और दौड़ो दौड़।
लो लो बचा कोई बचावन दौड़ो लो बचा कोई बचावन दौड़ो दौड़ो लो बचा कोई बचावन और भाई को मेरे मार कर ये जबरन करता प्यार इस तरह बेन डरी क्यों बे क्यों कमले अबे इस तरह बेन डरी क्यों बे क्यों कमले अरे नृपद चंद्रमाई का तुझे क्या मिला नहीं संदे अरे दुष्ट पागल क्यों करता तगा है अरे दुष्ट पागल क्यों करता दगा है अरे अभी सर दरबार होवे सफा है तेरी मुस्क बांधू या गर्दन उड़ा दू तेरी मुस्क बांधू या गर्दन उड़ा दू और क्या यही साथ में नबके करता वफा है कुंवर मार कर इसकी और इज्जत भी लूटा कुंवर मार कर इसकी और इज्जत भी लूटा और तेरा सर पे ये आसमां क्यों ना टूटा यू आर अंडर अरेस्ट ऐसा मत कीजिए चाचा ऐसा मत कीजिए मैं निर्दोष हूँ मेरा कोई दोस्त नहीं है चाचा मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ उसका मत कीजिए चाचा मैं अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया हूँ कि तू कितना निर्दोष है और कितना बागी है बिहारी लाल इसे घसीटते हुए ले चलो राज दरबार दीदी मुझे बचा लो दीदी मुझे बचा लो दीदी मुझे चाचा जी अगर आप वक्त पे ना आ जाते तो आराम ज्यादा मुझे कहीं को नहीं छोड़ता क्या करिश्मा है क्या तेवर है आपके एक बात बताओ राजकुमारी जी राजकुमारी जी तुम उससे प्यार कर रही थी या कि वो तुमसे प्यार कर रहा था वो मुझसे जबरदस्ती प्यार करता था अगर मैं करती उससे प्यार तो की चिल्लाती अच्छा वही तो कह रहा था कि अंगिया में अंगना समाय बलमा क्यों राजकुमारी जी ये बात सत्य है वही कह रहा था ये गाना गा रहा था राजकुमारी जी मैं गा रही थी मैं छुप करके तुम दोनों का पूरा करिश्मा देख लिया है अब छुपाने की बात कुछ भी नहीं रह गई इसलिए अब जो मैं कहूंगा वो तुम करोगी आप जो कहेंगे उसे मैं पूरा करने के लिए तैयार हूं आप जितनी धन दौलत चाहेंगे मैं उतना धन दौलत दूंगी आपको लेकिन मुझे महाराज से मत बताइएगा धन दौलत की चाह नहीं है मुझे जब भी मौका मिलेगा तो हम तुमसे कहेंगे और इस वादे को निभाना है जो हम कहेंगे वो तुम करोगी बोलो ठीक है मंत्री जी आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी तो ठीक है आओ हमारे साथ चलते हैं राज दरबार महाराज के सामने कमलेश को पेश करते हैं आओ